आई एम रोहित कुमार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नगर। आप सभी लोगों का मेरे इस इंग्लिश नगर चैनल पर स्वागत है। वो मैं आपके लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, और वो टॉपिक क्या है जानता हूँ, जानता है वाले सेंटेंस कैसे बनाएं, कैसे फ्रेम करें। तो आप जानते हैं कि जानना वाले सेंटेंस काफ़ी लोगों को बनाने में दिक्कत आती है, और 90% लोग जानना वाले सेंटेंस गलत बनाते हैं। तो देखिएगा, मैं आपके लिए बनाना सिखा रहा हूँ। पहचान, जानता हूँ, जानता है। तो देखिएगा, ही सी इट राम यहाँ पर लिखा गया है। इसमें जानना की अंग्रेजी होती है नो, नो KNOW, नो माने होता है जानना, नो माने होता है जानना। तो आप जानना वाले सेंटेंस इस प्रकार से बनाते हैं कि जानना, जिस काम में आप निपुण होते हैं तो उसमें आप जो है नो का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पढ़ना जानता हूँ, मैं बोलना जानता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाना जानता हूँ, मैं ट्रैक्टर चलाना जानता हूँ। तो जिसमें आप जानते हैं उसमें आप नो का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें ही सी राम है सिंगुलर, ये है सिंगुलर एक वचन, सिंगुलर एक वचन, सिंगुलर एक वचन। तो इसमें जो है सिंगुलर एक वचन है, तो इसमें इस प्रकार से सेंटेंस फ्रेम करते हैं, ही के साथ नोज, सी के साथ नोज, राम के साथ नोज, सीता के साथ नोज। इसमें नो के साथ यस लगेगा। तो मैं आपके लिए इससे सेंटेंस बना के दिखाता हूँ कि पूरा सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिएगा, पूरा सेंटेंस किस प्रकार से बनता है, देखिएगा। तो देखिए, मैं पहला लिखें वह अंग्रेजी, वह अंग्रेजी पढ़ना जानता है, वह अंग्रेजी पढ़ना जानता है। वह अंग्रेजी पढ़ना जानता, तो उसमें देखिएगा पहला सेंटेंस लिखा ही, ये एक वचन है ही, तो इसके साथ क्या प्रयोग होगा जानता हूं, नोज, ही नोज। फिर इसके बाद आप लगा सकते हैं हाउ टू का, आप ये भी लिख सकते हैं ही नोज, आप ये भी लिख सकते हैं ही नोज रीड इंग्लिश। मगर इस प्रकार से आप सेंटेंस गलत हो जाएगा, 90% लोग ऐसे ही बनाते हैं, मगर वो तरीका गलत है। तो देखिएगा, आई नोज, ही नोज, हाउ टू रीड इंग्लिश। रीड इंग्लिश, तो आप इस प्रकार से इसे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल आप और देख लीजिए, राम हिंदी बोलना जानता है, राम हिंदी बोलना जानता है। मेरी राइटिंग अभी बढ़िया नहीं आ रही है, तो आप लोग इसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैंने कभी व्हाइट बोर्ड पर लिखा नहीं था, इस कारण मुझे इसमें जो राइटिंग बढ़िया नहीं आ रही है। तो इसके लिए आप बनाएंगे इस प्रकार से, राम नोज, हाउ टू
हाउ टू स्पीक हिंदी, स्पीक हिंदी। तो इसके लिए आप इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। मैं आपके लिए बता रहा हूँ ये फार्मूला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है इसमें नो या नोज, नोज एक वचन के साथ नो जाएगा, बहुवचन का नो आएगा, नोज या नो, नो। फिर उसके बाद आएगा हाउ टू, हाउ उसके बाद आएगा हाउ टू, उसके बाद आएगा हाउ टू, फिर उसके बाद आएगा B1, फिर उसके बाद आएगा अदर वर्ड। तो देखिएगा इसमें इस प्रकार से सेंटेंस फ्रेम किया गया है, बनाया गया है। तो उम्मीद है कि आप ये तो सीख गए होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट वाले सेंटेंस कैसे बनाते हैं। भाई अंग्रेजी पढ़ना जानता है, ही नोज हाउ टू रीड इंग्लिश। राम हिंदी बोलना जानता है, राम नोज हाउ टू स्पीक हिंदी। तो इसमें अगर आप हाउ टू का प्रयोग नहीं करेंगे तो ऐसे सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हाउ टू का प्रयोग इसलिए करते हैं कि मुझसे पूछो ना, मैं कैसे जानता हूं, मुझसे पूछो ना, मुझसे प्रश्न करो ना। इस प्रकार आप हाउ टू का प्रयोग करके सेंटेंस के लिए बना सकते हैं। तो आप बहुवचन वाला देखिएगा, आप प्लूरल वाला देखिएगा, आप वो कैसे बनाते हैं। तो देखिएगा यहां पर आई बी यू दे गर्ल्स बॉयज ये लिखा गया है, तो वो था सिंगुलर, ये है प्लूरल, ये है प्लूरल, प्लूरल यानी कि बहुवचन, यानी कि बहुवचन, ये है बहुवचन। तो इनके लिए आप इस प्रकार से सीखेगा, आई वी यू दे गर्ल्स वाय, जिनके साथ आप नो का प्रयोग करेंगे उनके, उसके साथ नोज का प्रयोग करते हैं, इसमें यस बढ़ जाता है, इसके साथ नो का प्रयोग करेंगे तो देखिएगा इस ये सेंटेंस किस प्रकार से देखे। आई नो, वी नो, यू नो, दे नो, गर्ल्स नो, वायज नो। तो इस ये सेंटेंस देखिएगा किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो देखिए लिखा गया मैं कार चलाना जानता हूँ, मैं कार चलाना जानता हूँ, तो मैं है बहुवचन यानी कि ये सब्जेक्ट है बहुवचन, मैं कार चलाना जानता हूँ, तो इसमें यस है, यस का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये इस प्रकार से बनाया गया, आई नो हाउ टू ड्राइव कार, आई नो हाउ टू ड्राइव कार, मैं खाना पकाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू कुक फूड, आई नो हाउ टू कुक फूड, तुम पढ़ाना जानते हो, यू नो हाउ टू टीच, यू नो हाउ टू टीच। तो यह तो आपने सीख लिया ही होगा, उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। तो चाहे तुम हो, चाहे बे हो, चाहे बे हो, चाहे ए हो, चाहे बॉयज हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे चिल्ड्रन हो, कुछ भी हो, बहुवचन हो, तो वहां पर यस या यस का प्रयोग नहीं होगा, तो वहां पर नो का प्रयोग होगा। यू नो स्पीक इंग्लिश, यू नो स्पीक इंग्लिश, दे नो स्पीक इंग्लिश, हा दे नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सॉरी मैं जो है हाउ टू भूल गया था। तो ये तो था जिसमें वर्ब होती है उसका प्रयोग। अब मैं आपके लिए सिखा रहा हूं कि इनमें सम्मे है वर्ब क्रिया, अब जिसमें क्रिया ना हो तो उस सेंटेंस को किस प्रकार बनाते हैं, फ्रेम करते हैं। तो आइए कुछ सीखते हैं वो किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिएगा मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू, तुम मुझे जानते हो, यू नो मी। तो देखिएगा इसमें वर्ब नहीं है, इसमें वर्ब नहीं है, तो जहां पर वर्ब ना हो, जहां पर वर्ब ना हो, केवल नाउन हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तो वहां पर जो है
हाउ टू का प्रयोग नहीं होगा। जहां पर क्रिया ना हो केवल नाउन हो तो वहां पर प्रयोग नाउन या प्रोनाउन हो, जहां पर नाउन या प्रोनाउन हो वहां पर हाउ टू का प्रयोग नहीं होगा। इसका फार्मूला इस प्रकार से बनेगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस नो 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 नोच प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए मैं तुम्हें जानता हूं, इसमें जानना वो क्रिया नहीं है, यहां पर तुम्हें कर रहा है जो है प्रोनाउन का काम, यह है सब्जेक्ट। तो यहां पर यह आप जानते हैं कि यह इसमें जानना नहीं है वो क्रिया नहीं है, तो यहां पर जो है हाउ टू का प्रयोग नहीं होगा। जहां पर क्रिया ना हो वर्ब ना हो वहां पर हाउ टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें जानता हूं, तो इस प्रकार से आप जो है आई नो यू दे नो यू, इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू तुम जानते हो, यू नो मी वे तुम्हें जानते हैं, दे नो यू तुम मुझे जानते हो, यू नो मी, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। अगर आपके लिए किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।